निगरानी की टीम ने शुक्रवार की रात एक भ्रष्ट इंजीनियर की यहां बड़ी कार्रवाई की है। भवन निर्माण विभाग के इंजीनियर संजीत कुमार को 2 लाख रुपए घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा गया था। इसके बाद राजधानी पटना की गर्दनी बाग स्थित घर पर निगरानी की टीम ने शुक्रवार की रात छापेमारी की तो होश उड़ गए। इंजीनियर के यहाँ से 1 करोड़ रुपए के आसपास कैश बरामद किए गए। इतने नोट मिले कि गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी। इसके साथ लगभग 2,70,000 रुपए का आभूषण भी मिला। मौके से कुछ बैंक पासबुक भी टीम ने बरामद किया। इस पूरे मामले की निगरानी विभाग के DSP पवन कुमार ने बताया कि पटना में कार्यरत भवन निर्माण विभाग में सेंट्रल डिवीजन के कार्यपालक अभियंता संजीत कुमार के खिलाफ गुप्त सूचना मिली थी। बताया गया था कि इंजीनियर संजीत कुमार ने गर्दनी बाग थाना क्षेत्र के अलकापुर स्थित हरिंदर वीला अपार्टमेंट में फ्लैट है। इसी अपार्टमेंट के नीचे 2 कमरों में उन्होंने अपना निजी कार्यालय भी बनाया है। यहाँ ठेकेदारों से पैसा की डील होती है। DSP पवन कुमार ने बताया कि जिस वक्त टीम पहुंची उस वक्त एक ठेकेदार से संजीत कुमार ने अपने निजी कार्यालय में 2 लाख रुपए घूस ले रहे थे। पूछताछ से पता चला कि इंजीनियर संजीत कुमार की मांग 6 लाख रुपए थी, लेकिन 2 लाख में डील हो गई थी और वह पैसा वह ले रहे थे। इसी दौरान उन्हें पैसा लेते गिरफ्तार कर लिया गया। इंजीनियर संजीत कुमार से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि इस अपार्टमेंट के ऊपर 204 में उनका फ्लैट है। फ्लैट में निगरानी विभाग में 12 सदस्यीय टीम ने छापेमारी की तो लगभग 1 करोड़ के आसपास नगद बरामद किए गए। इसको गिनने के लिए मशीन मंगवाई गई। फ्लैट के सोने और चांदी के लगभग 2,70,000 रुपए का आभूषण बरामद किए गए। पवन कुमार ने बताया कि बैंक में कई पासबुक भी मिले हैं। इसमें काफी पैसा जमा है, जांच की जा रही है। अभी 1 घंटा बाद जाना है। हाँ, मेरे घंटा।